हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज क्लास नाइन्थ का साइंस के चैप्टर फर्स्ट का मैं कुछ एक दो टॉपिक लेके आ रहा हूँ, और ये थोड़ा रिवीजन टाइप और क्विक रिवीजन होगा। स्टार्टिंग से मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टार्ट करूँगा कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, पॉइंट नंबर 1.4 है, यहाँ से मैं आपको बताना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो आप इतना तो जानते ही हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट में है, तो उसके अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी कि उसको हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे, तो वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऊपर आप एरो का निशान देख सकते हैं, इधर है, ठीक है। हीट देने से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड से फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा अगर उसको ठंडा किया जाएगा, कूल डाउन किया जाएगा। लिक्विड से फिर वो गैसीय स्टेट में चला जा सकता है हीट देने से, ओके, और अगर उसको ठंडा करेंगे तो गैसीय स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में, ओके। तो इतना तो सभी जानते हैं, लेकिन एक पॉइंट को जो बच्चे भूल जाते हैं वो है लेटेंट हीट। तो देखिए, लेटेंट हीट क्या होता है, एक बार उसको समझ लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले ना, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ लेना, बाद में इसको पढ़ लेना या नोट भी कर सकते हो। तो जब मान लीजिए हमने कोई बर्फ़ का टुकड़ा लिया, आइस क्यूब लिया, और उसको हम गर्म कर रहे हैं, और उसका टेम्परेचर भी बहुत कम है, मतलब कि नेगेटिव में समझ लीजिए, -20 डिग्री सेल्सियस है। तो जब हमने उसको गर्म करना स्टार्ट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, -20 से -19 -18, इस तरह से लगातार उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, ओके। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आया वो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है आइस के लिए। मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग होता है कि उस टेम्परेचर पे वो ऑब्जेक्ट जैसे कि आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एक कमाल की चीज़ ये होती है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब यहाँ से ध्यान से समझना, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो गई और आप उसको अभी भी गर्म किए जा रहे हैं और बर्फ़ पिघले जा रही है, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं पिघली। तो जब तक बर्फ़ पूरी तरह नहीं पिघल जाती तब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इस दौरान उसको आप जो हीट दे रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रही, वो छुपी हुई है, मतलब कि वो हिडन है। और हिडन के लिए ही एक दूसरा वर्ड भी होता है, एक और वर्ड होता है, वो होता है लेटेंट, ठीक है। तो स्टेट की कन्वर्जन के दौरान जो हीट दी जाती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती, ओके। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से देंगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, ओके। पार्टिकल्स, इसका मतलब ये हुआ कि भाई देखिए, आपने हीट दी और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो भाई वो हीट कहाँ यूज़ हो रही है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही, वही वो उसको ना गैसीय स्टेट से, पार्टिकल्स को गैसीय स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट करने में यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाई जो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल आएंगे उसी टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर ही उनका टेम्परेचर, क्योंकि देखिए इमेजिन कीजिए, एक बर्तन है उसमें बर्फ़ है और वो पिघल रही है, बर्तन इमेजिन कर सकते हैं, उसमें बर्फ़ है पिघल रही है, तो उसी बर्तन में पानी भी है पिघला हुआ और बर्फ़ भी है अभी जो पिघल रही है, पूरी तरह पिघला नहीं, तो पानी का और बर्फ़ का टेम्परेचर सेम होगा। तो पानी के जो पार्टिकल होंगे ना उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी बजाय के बर्फ़ के पार्टिकल्स के या सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स के, टेम्परेचर दोनों का सेम है लेकिन एनर्जी ज़्यादा लिक्विड के पार्टिकल्स में होगी। इसमें इतना था, ठीक है। अब ये थोड़ा क्विक रिवीजन है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, ओके। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर को चेंज करने की, बहुत आसान टॉपिक है। एक क्वेश्चन NCERT में ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल, जैसे 300 केल्विन और 573 केल्विन, इनको आपने सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। इसमें ध्यान रखना,
इसके जो यूनिट है केल्विन, केल्विन का कैपिटल के जो है कैपिटल रखना है आपने, ओके। तो पहला जो है 300 केल्विन, जब कभी भी आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो 273 को माइनस कर दो, तो इसका आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। इस वाले में से भी 273 को माइनस कर दो तो आंसर आया 300 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही अगर आपको डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर दो, ठीक है। सो 10 प्लस 273 283, ऐसे ही 100 प्लस 273 373 केल्विन। तो ये तो बहुत आसान था। इवेपोरेशन, ये भी बहुत आसान है। अब देखिए, आपने ये जान ही लिया कि लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हम चीज़ों को गर्म करते हैं, फिर अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और उबलने लगती है। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड, जैसे पानी है, पानी उबलने लगता है ना एक टेम्परेचर आने के बाद, वो उबलने लगता है, दूध भी उबलने लगता है, ठीक है। तो जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है, उस टेम्परेचर को उसका बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ओके। अब बॉइलिंग पॉइंट पे तो वो गैस स्टेट में जा रहा है, उबल रहा है, बहुत तेज़ी से गैस स्टेट में जा रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि बर्तन में किसी में पानी आप बाहर छोड़ दो तो वो कुछ घंटों बाद गायब हो जाता है। अगर वो थोड़ा चौड़ा सा बर्तन है और पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर पानी ज़्यादा भी है तो भी गायब तो होगा ही होगा, ठीक है। इवेपोरेशन तो होती है लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इवेपोरेशन क्या है? अब मान लीजिए बाहर आपने बर्तन में पानी छोड़ दिया और वो गैस स्टेट में चला गया, मतलब उड़ गया वो वहाँ से, तो किसी ने उसको गर्म तो किया नहीं, बॉयल तो किया नहीं, उस पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक तो पहुँचा नहीं, लेकिन फिर भी बिना अपने बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तक पहुँचे, उससे नीचे, उसे कम टेम्परेचर पे ही वो लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। इसी फिनोमेना को, इसी घटना को इवेपोरेशन कहते हैं, ओके। सो द फिनोमेना ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू गैस स्टेट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, ओके। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, अब ये जो इवेपोरेशन घटना है किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, मतलब ये बहुत जल्दी होगी, भाई किसी बर्तन में पानी रखा है तो वो कितनी देर में, दो बर्तनों में आपने मान लीजिए सेम अमाउंट में पानी रख दिया, सेम अमाउंट में, ओके, तो किस बर्तन का पानी पहले ख़त्म होगा, किस बर्तन का पानी बाद में ख़त्म होगा, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो वो फैक्टर कौन से हैं जो इवेपोरेशन के रेट को डिटरमाइन करते हैं? पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, चार फैक्टर हैं हम पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है सरफेस एरिया, ये देखिए पानी की अमाउंट है कुछ, अगर आप पार्टिकल्स को काउंट कर पा रहे हैं तो भाई पानी डाल दिया ना आपने किसी चीज़ में, तो उसमें लेयर्स के हिसाब से वो पार्टिकल्स होंगे। इसमें इवेपोरेशन में क्या होता है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो उड़ जाती है, चली जाती है। खैर ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा रखी है, अब रिवीजन कर रहे हैं क्विकली। तो ये एक लेयर है, दो तीन चार, इसमें चार लेयर हैं और एक लेयर में 10 पार्टिकल है, एक लेयर में 10 पार्टिकल है और चार लेयर है, तो मतलब टोटल 40 पार्टिकल होंगे। तो इवेपोरेशन में ये होता है कि सबसे पहले सबसे ऊपर वाली लेयर चली जाती है, क्यों चली जाती है वो मैंने बता रखा, ऊपर वाली लेयर चली गई। मान लीजिए एक लेयर को उड़ने में एक टाइम लगा 1 मिनट, ओके। सो से टाइम टेकन बाय वन लेयर टू इवेपोरेट से 1 मिनट, ओके। नंबर ऑफ लेयर्स आर 4, 1, 2, 3, 4, चार लेयर, ठीक है। सो टोटल टाइम ऑफ इवेपोरेशन 4 × 1, 4 × 1, 4 मिनट, 4 मिनट लगे सरफेस एरिया S1, ठीक। अब ये सरफेस एरिया S2 है, अच्छा पानी के अमाउंट सेम है, इसमें भी आप देखोगे ना इसमें लेयर हैं 10, लेकिन एक लेयर में 4 पार्टिकल है, ठीक है, तो 40 पार्टिकल हुए इसमें भी, बट लेयर 10 है इसमें। सो नंबर ऑफ लेयर्स 10, टाइम टेकन बाय वन लेयर वही सेम 1 मिनट, 1 मिनट में एक लेयर चली गई, ओके। या सिंपली आप इसको टी से डिनोट कर सकते हैं, तो एक ही बात पड़ेगी। सो टोटल टाइम टू इवेपोरेट, भाई एक लेयर को उड़ने में 1 मिनट लगा तो 10 लेयर्स को उड़ने में 10 मिनट लगेंगे, सिंपल सी बात है। पिछले वाले केस में कितना टाइम लग रहा था, 4 मिनट, देख सकते हैं ना आप यहाँ पे, ये देखिए 4 मिनट और इसमें 10 मिनट, तो मतलब कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो क्या अंतर है दोनों में, इसका जो सरफेस एरिया है ये कम है, छोटा है, क्योंकि इसमें 4 पार्टिकल आ पाए एक साथ ऊपर, पिछले वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा था, 10 पार्टिकल आ पा रहे, इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, मतलब। और यही है इसका मेन पॉइंट, ये आप नोट कर सकते हैं।
रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीजेज. तो रेट ऑफ वेपरेशन को हमने सिंबल दे दिया एक आर सिंबल दे दिया, तो क्योंकि हम इसका बाद में यूज़ करेंगे. ये बढ़ जाती है, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया में इंक्रीज होने से रेट ऑफ वेपरेशन बढ़ जाता है. ये एक फैक्टर हो गया हमने, सरफेस एरिया के चेंज होने से रेट ऑफ वेपरेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है वो हमने देख लिया. दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर. इसी तरह से जब टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो रेट ऑफ वेपरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है. यानी कि सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता है रेट ऑफ वेपरेशन, टेम्परेचर बढ़ाने से भी बढ़ता है. अब इसी तरह से हवा किस तरह से चल रही है, कितनी तेज़ चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, हवा की स्पीड बढ़ने से भी रेट ऑफ वेपरेशन बढ़ता है. ओके, आर यानी कि रेट ऑफ वेपरेशन आर इंक्रीजेस सिंबल दे रखा ना, ऊपर की तरफ एरो है मतलब इंक्रीजेस, नीचे की तरफ एरो है मतलब डिक्रीजेस. ये नीचे की तरफ एरो है, डिक्रीजेस. ओके, सो विंड स्पीड बढ़ने से रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीजेस इंक्रीज इन विंड स्पीड. ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ वेपरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब हवा में पानी की मात्रा कितनी है पहले से. भाई देखिए, लिक्विड जो है इसका इवेपोरेशन हो गया इसका. वो पानी गया कहाँ, गैसीय स्टेट में है, लेकिन है तो हवा में. हवा में कितनी मात्रा पानी की मौजूद है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक. तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स, ठीक है, तो आपको ये लिख देने हैं. फैक्टर्स के केवल नाम लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी. और उनके बारे में थोड़ा अगर डिटेल भी देनी है, ज़्यादा मार्क का क्वेश्चन है, 3 का 4 का 5 का मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको ये भी लिखना है कि रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सरफेस एरिया विद टेम्परेचर विद विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी, रेट ऑफ वेपरेशन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी. ओके, सो इस वीडियो में इतना ही. बाकी मैं इसकी पूरे चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत जल्दी. आज इतना ही टाइम था और मैंने बोला था कि मैं ये वीडियो डालूंगा, तो ये मैंने